हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पाइसी कोफ्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और ये झटपट से बन जाती है, तो चलिए चलते हैं किचन में इसे ट्राई करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें ऐड किया है मैंने आलू, जो कि 400 ग्राम है। आप अपने हिसाब से इस आलू को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे सिर्फ छील लिया है, लेकिन इसे मैंने कट नहीं किया है। मैं बिल्कुल ऐसे ही इसे छोड़ दी हूँ, इसे कट बिल्कुल नहीं की हूँ। मैं ऐसे ही इसे बनाऊँगी। इसे चारों तरफ से पलटते हुए अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड किया मैंने 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे मीडियम टू हाई पे अच्छे से डीप फ्राई होने तक कुक करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसे पलटते हुए कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। गाइस, आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे मैंने क्लोज लिड के साथ बारी बारी से चलाते हुए अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। आलू तो हमारा फ्राई हो चुका है, तो चलिए चलते हैं मसाले की तैयारी करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है कुकर। इस रेसिपी को मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इस जगह पे आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें ऐड करी मैं चॉप किया हुआ ऑनियन, जो कि एक मीडियम साइज़ की ऑनियन है, जो मैंने पहले से चॉप करके रख लिया था। ऑनियन हमारी फ्राई हो रही है, तब तक इसके मसाले को तैयार करते हैं। इस मसाले को तैयार करने के लिए मैंने लिया है ऑनियन, टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक। इसे अपने सब्जी के मुताबिक आप भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से ग्रेंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं ऑनियन के साथ। लेकिन गाइज, अगर मेरे ट्रिक के साथ आप कोफ्ता बनाएंगे, तो इस मसाले को इसी ट्रिक के साथ आप तैयार करिए, ताकि ये बिल्कुल होटल की तरह बन के तैयार हो। गाइज, बनने के बाद से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये होटल से ख़रीद के नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से ग्रेंड हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दे रही है और अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक अच्छे से कुक करूंगी, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। इसमें ऐड करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, भुना हुआ जीरा, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, कुछ खड़े साबुत मसाले, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। रेड चिली पाउडर से कलर बहुत खिल के आएगा और बहुत यमी दिखेगा। इन सारे मसालों को मैं इसमें ऐड कर दे रही और अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे, ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे से भून जाए। गाइज, आप देख सकते हैं मसाला हमारा 50% कुक हो चुका है। इसमें ऐड कर दे रही मैं फ्राई किया हुआ आलू, ताकि आलू भी अच्छे से मसाले में भून जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइज, आलू को भी भूनना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसे हम पहले ही ऐड करेंगे, ताकि आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से हम भून सकें। गाइज, अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, ताकि मसाला जले ना और आलू भी अच्छे से भून जाए। गाइज, आज की मेरी रेसिपी किस किस को पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन के घंटी को ज़रूर पुश कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें मैंने थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर को ऐड किया है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। आप देख सकते हैं आलू और मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें ऐड कर दे रही मैं कोफ्ता। कोफ्ता मैंने पहले से बना के रख लिया है। अगर कोफ्ते की रेसिपी आपको देखनी है, तो मेरे चैनल पे पहले से बहुत सारी अपलोड हुई है, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये भी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। गाइज, आज की मेरी कोफ्ता रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। इसमें ऐड कर रही मैं 2 गिलास पानी। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है, और अच्छे से मिक्स करते हुए क्लोज लिड के साथ हम इसे 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, ताकि आलू बहुत अच्छे से गल जाए। गाइज, आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसे देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, बहुत परफेक्ट तरीके से ये कुक हो चुकी है। इसे फ्रेश कोरिएंडर से मैंने गार्निश कर दिया है। इसे प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है और कैसी दिख रही है।
गाइज अगर आज की मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपने ट्राई किया तो कैसी बनी। गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेटिंग कर दिया है। प्लेटिंग करने के बाद से सब्जी हमारी बहुत ही यम्मी दिख रही है। इसे चावल और चपाती के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं। गाइज आज की मेरी कोफ्ता रेसिपी बिल्कुल ढाबे की तरह बन के तैयार हुई है। क्या आपने कभी स्टिक के साथ अजमाया है? नहीं ना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इंजॉय करिए और प्यारा से एक कॉमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।